सर आप भी उस वक्त यहीं पे मौजूद थे? जी मैं भी था। तो क्या इसी तरह वाक्य हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं तो ये तो बैठा हुआ था, तो हम सारे दोस्त जो है ना बस अलग अलग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो एकदम ही ना ऐसे जैसे जल्जला आया। आप यकीन करें कि ऐसे ही हुआ जैसे जल्जला आया। वो 7-8 जो है ना सिविल कपड़ों में, हाथों में मोजर है और कुछ के गाने बड़ी आते ही उन्होंने ऐसे सीधा कर दिया हमारी तरफ। कह रहे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। हम तो समझे शायद डाकू आ गए। वो जब जो है ना उन्होंने आते ही ना, पहले तो उन्होंने काम के सबको बिठा दिया नीचे, किसी को मुर्गा बना दिया, किसी को नीचे बिठा दिया। उसके बाद जो है ना उन्होंने हमारी तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी लेके जो पैसे हमारे मेरे किसके वलीमे के थे, बरात के थे, सारे जो इंतजामात के लिए आप लोगों ने रखे थे, मेरे पास करीबन 1.5 लाख रुपए से ऊपर थे। वो मेरे पास से मैंने कहा 5-5 हज़ार रुपए नोट मैंने अपने पर्स में रखे हुए थे। मैंने कहा चलो जो जरूरत पड़ेगी तो निकाल के बंदा दे देता है। वो भी गए। मेरे बहनोई के पास 87 हज़ार रुपए थे, इन्होंने 87 हज़ार उनका लिखा, मेरे 63 हज़ार रुपए लिखे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ ना जो भी करेंगे ना कम अज कम हमें रात को छोड़ तो देंगे ना, चलो हम बारात में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ना सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे हमारे खिलाफ। तो आप बारात में नहीं शामिल हो भाई की? नहीं नहीं, हम बारात में ये रोता, ये तो जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको किसी से पैगाम भी जो आया कि आप जो ना तैयार होकर चले जाओ। मैंने इसे दिलासा दिया कि मैंने कहा यार मैं आ जाऊंगा, तुम चले जाना। ये इसलिए ना तैयार होकर ना सारे चला गया। जो है ना 27 बंदे हमें हवालात में ना, इसकी जो खाना था ना इसकी बारात का, वो हमें उधर मिला। किसी ने खाया ही नहीं है ना, दिल ही नहीं किया किसी का कि यार इसी ने हमारे साथ, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। फिर हमें वलीमे वाले दिनों में उधर पेश किया गया कचहरी में, उधर से हमारी जमानत हुई है और हम वलीमे में फिर आए। और जो हमारे पैसे हैं ना वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए थे। इन्होंने हमारे से ना सादे कागज पे साइन अंगूठा करवा के ना 2,18,000 बनाए। अच्छा, उसकी हमें रिसीविंग नहीं दी। ठीक है, वो जो DSP साहब है ना इधर मियां रियाज साहब, उनके पास उनका क्लिप भी है, उनको उन्होंने मोबाइल पे ना अपनी तस्वीरें भी ली थी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ना कोई पैसा भी नहीं, 1,06,000 रुपए की सिक्योरिटी डाल दी। वो अदालत से जाओ जी, अदालत जाओ। तो मैंने कहा हमारे बकाया पैसे दो। बकाया कहता है जी वो उधर से लेके आओगे ना फिर तुम्हें बकाया भी दे देंगे। वो मोबाइल भी हमारे गए, पैसे भी हमारे गए, और इन्होंने मैं बारात में भी शामिल नहीं होने दी। बारात में भी शामिल, बारात में भी शामिल नहीं हुआ। बस ये तो सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा अलमिया है कि आप छोटे भाई की बारात में शामिल। ये भी रोया, बहुत रोया उस दिन। ये तो इतना जा भी नहीं रहा था। फिर मैंने इसे दिलासा भी किसी को कह के ना भिजवाया कि मैंने कहा तुम बारात में तैयारी रहो, मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन मैं अब झूठ बोल रहा था। मैंने कहा इसने जाना नहीं है बारात में, क्योंकि दो बहन हुई हमारे बड़े जेल में थे, हमारे तीन भाई जेल में थे। आप तीनों भाई जेल में थे? तीनों भाई जेल में। और ये सिर्फ आप चार भाई हैं? जी नहीं, हम छह भाई हैं। बाकी भाई छोटा भाई है, वो तो बिल्कुल छोटा है। बस एक भाई था जो नीचे था ना, उसको नहीं लेके गए, ये साइड वाले घर में था। बाकी सबको ही लेके गए। और कोई 15 की कॉल भी नहीं थी, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। नहीं, अगर 15 की भी कॉल होती तो वो सिर्फ आपकी मेहंदी के फंक्शन की होती, DJ का पर्चा करते। जी बिल्कुल ऐसे ही था। क्या आप लेट नाइट फंक्शन कर रहे हैं? बस इन्होंने जब हमारे पैसे देखे ना 4-4.5 लाख जितना भी निकला, इन्होंने तो हमें दिखाया ही नहीं। लेकिन जब हमने काउंटिंग की ना तकरीबन, इन्होंने कहा 3.5 है, हमने कहा 3.5 है। फिर उन्होंने कहा जी हम जो साइन करेंगे ना आपसे अंगूठे लेंगे ना 2,18,000 बन रहे। हमने कहा चलो वो भी ठीक है। सुबह तक कहता रहा आपको छोड़ देंगे। ये कौन कहता रहा? जुल्फिकार। जुल्फिकार साहब। ये सारी गेम जुल्फिकार की आप समझते हैं? बिल्कुल ये उन्हीं की है। और SHO साहब की ये जो है ना ऊपर तक, वो हमें बहुत ही इसने मकारी के साथ सारी रात बिठाई रखा है। अभी आपको छोड़ देंगे, आपके पीछे कोई नहीं आ रहा। बस सर इसलिए उन्हें को पीछे कौन है? सबको तो ले आए आप? हाँ जी बिल्कुल, कोई भी नहीं आया। जाहिर बात है मोबाइल इन्होंने छीन लिए, सारे भाई अंदर थे, सारी रात हो गई थी। तो अम्मी और अबू थे वो कहीं जा नहीं सकते थे, वो बेचारे बूढ़े हैं नहीं कहीं जा सकते। तो इसीलिए जो है ना बहुत ज्यादा उन्होंने हमें परेशान किया और धिक्का दिया हमारे घर में आके। अम्मी को ऐसे पचपरे धिक्का दिया हमारे। नहीं, औरतों पे भी तशद्दुद किया? जी बिल्कुल। मेरी मामी भी इधर थी, हमारी एक आंटी है वो कुजरा वाले वाली, उनको भी इन्होंने ऐसे किए धक्के मार के, इन्होंने बाहर भेजे अंदर धक्के दिए, पीछे हो जाने तो बाहर कर दे। ये बच्चा हमारा जो है इधर आए, बच्चे को लाएं जरा। ये अपने पापा की तरफ भाग रहा था तो इसको ना ऐसे धक्का दिया। ये सामने इसके टांगे लगे हुए नोज पे, इसको दो टांगे लगे हुए हैं जो देखे ना। ये उस दिन इतना खून इसका बहा है ना कि इसकी नानी जो है ना वो बेहोश हो गई। ये टांगे जरा दिखाएं किस तरीके से पुलिस ने इस बच्चे पर भी तशद्दुद किया है और जिस तरीके से वो यहाँ पे दाखिल हुए और तमाम फैमिली को, पूरी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटा सामने देखो उस तरफ,
ये इसके नाक पे जो है वो टांके लगे हुए। और अच्छा ये सारा मामला हो गया, आप लोग सब माफ करने के लिए तैयार थे कि चले हमें छोड़ दें? जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी इस बात पे राजी थे कि हम छोड़ देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, यानी कि लास्ट टाइम तक मुझे कहता रहा कि हम आपको छोड़ देते हैं, डीजे पे पर्चा दे देते हैं, आपको माफीनामा करा देते हैं। मैं कहा सर आपकी बहुत मेहरबानी, आपने कह दिया था ठीक है, आपने 2,18,000 लिखे यही दे दें हम बाकी रख लें। बिल्कुल हमने कहा था, हमने कहा चले आप यही दे दें बकाया जो है ना, जो आया आप रख लें तो जो है ना हमें छोड़ दें। पर इन्होंने हमारे खिलाफ वो पर्चा भी दे दिया, वो इश्तिहारी को बना देने का। सर हम तो इधर, मेरी तो 38-39 साल उम्र है, मैं इधर का ही हूँ, सारी उम्र हमारे माँ बाप इधर ही रहे, कभी ऐसा मसला ही नहीं हुआ। इन्होंने ये जो इश्तिहारी पे बना देने की वो जो लगाई है दफा, इसको प्लीज खारिज किया जाए हमारे साथ जो है ना। नहीं उन्हें कहा इश्तिहारी कौन सा, किस इश्तिहारी को बना दिया? वही तो हम उनसे पूछते हैं ना कि वो क्या है, कह रहा है जी वो ये कौन सी दफा है, ये छोटी सी दफा है। ये हमारे 27 जो है लड़के थे ना, 26 वो बेचारे सारे पढ़ने वाले थे, वो इनकी मिन्नतें करते रहे कि सर हमारा कैरियर खराब हो जाएगा, हमारा कैरियर खराब हो जाएगा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको हैंडल कर लें, खुद ही हैंडल कर लें। लेकिन उन्होंने कि हम छोड़ रहे हैं, अभी छोड़ रहे हैं, अभी आपको छोड़ रहे हैं, बस छोड़ते छोड़ते ही ना उन्होंने सारी रात, सुबह 8 बजे हमारे जो है ना पर्चा दे दिया था। और हमें कह रहे हैं जाओ आप घर जाओ, तो घर जाने के बजाय ना सासी सामने हवालात में हमें डाल दी, और ऊपर से ये पर्चा जो दफे लगा के हमारे ऊपर ये पर्चा जो दिया है ना, ये प्लीज हम SP साहब से भी अपील है, और DIG प्रेशन साहब से भी, और अला काम से यही अपील है कि हमारे साथ जो है ना इस चीज का इंसाफ किया जाए कि हमारे साथ जो है ना इन्होंने ज्यादती की है। ठीक है नाज़रीन, ये ज्यादती है, ये पुलिस की ज्यादती है, ये है नया पाकिस्तान, ये वो पुलिस रिफॉर्म्स हैं जिनका जिक्र जो है वो किया गया। और मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज्यादा पुलिस रिफॉर्म को कैश कराने के लिए, अपनी हुकूमत में आने के लिए अवाम से वादे किए। क्या पुलिस इस तरीके से गुंडागर्दी करती है? अब मुहाफिज क्या लुटेरे हो सकते हैं? या मतलब हैरानी होती है कि इस किस्म की गुफ्तगु और इस किस्म के मामलात और इस किस्म के पुलिस की जानिब से इकदामात, और ये थाना नवा कोट के इकदामात हैं, और थाना नवा कोट की पुलिस ने ही किए हैं, लेकिन SP साहब को, SP इकबाल टाउन अली रजा साहब को, और इसके साथ साथ DIG ऑपरेशंस को, CCPO लाहौर को, और IG अमजद जावेद सलीमी साहब को इसका नोटिस जो है वो जरूर लेना चाहिए कि एक भाई जो है वो अपने भाई की, बल्कि तीन भाई अपने छोटे भाई की बारात में शरीक नहीं हो सके। रात को यहां पे दाखिल हुए, सिविल कपड़ों में आए, पिस्टल ताना, और उसके बाद सारी रकम जो है वो यहां से ले गए, और उसके बाद दुल्हा को भी वहां पे कैद में रखा, हवालात में रखा, और अगले दिन सुबह जब बारात थी तो 6-7 बजे 50,000 रुपए के इव्ज़ जो है वो इसको छोड़ा। हालांकि पुलिस कस्टडी में उस वक्त तकरीबन 3 लाख रुपए मौजूद थे इनके मुताबिक, जो ये बता रहे हैं कि पुलिस 3.5 लाख रुपए जो है वो उस पुलिस के पास मौजूद थे। तो इस तरह के जब इकदाम पुलिस की जानिब से किए जाएंगे तो मुझे बताइए कि पुलिस का इमेज कैसे ठीक होगा? पुलिस अगर इस तरह के घिनौने हथकंडे अपनाएगी तो किस तरीके से लोग जो है वो पुलिस को मोरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे और इसको वेलफेयर स्टेट करार देंगे? अभी और भाई भी मौजूद हैं, वो साथ वाले को माइक दें। आप सबसे छोटे हैं, इनसे बड़े हैं? जी मैं इनसे बड़ा हूं। अच्छा आप भी उस वक्त यहाँ पे थे? बिल्कुल अभी वहीं पे मौजूद था, हम दो सुपर अलग अलग कर रहे थे, नीचे से फंक्शन मुकम्मल करके हम दो सुपर गए थे सारे, तो हमने यही प्लान बनाया था कि सारे अलग अलग करेंगे इसके साथ, मतलब जिस तरह के कपड़े फाड़ेंगे इस तरह का हमारा सारा प्लान था। तो जैसे ही हम ऊपर, आपको क्या पता था पुलिस कपड़े फाड़ेगी? बस वो एक अचानक से जैसे वो कह लें कि जलजला आया, और जलजले में हम सारे मतलब उसके जलजले की जिद में आ गए। इस तरह से हमारे साथ मतलब सिचुएशन हुई, तो हम सारे मतलब अभी एक मतलब DJ वाले ने अभी लगाया नहीं है, मतलब एक स्विच लगाने की कोशिश की है, ऊपर से एकदम से ऐसे आए हैं और ऐसे आते इन्होंने, मतलब अभी वो आपका अलग उला या आपका शुगल मेला स्टार्ट नहीं हुआ? स्टार्ट नहीं हुआ था अभी। अच्छा, तो हम जैसे ही मतलब ये स्टार्ट करने लगे हैं, जैसे मतलब एकदम से आए हैं, और दो मतलब दीवारें ब्लांक आए हैं पीछे वाली दीवारों से, घरों से दीवारें ब्लांक के अंदर मतलब हमारे घर में छत पे दाखिल हुए हैं, और आते ही उन्होंने दो के बाद पिस्टल थे, उन्होंने पिस्टल सीधे किए हैं, और जिनके पास गन्ने थे उन्होंने गन्ने सीधी कर दी कि कोई भी हिले ना, अगर कोई भी हिला तो उसको मार दिया जाएगा। यहाँ तक हम सब पर आप लोग डर गए, सहम गए, खौफज़दा हो गए? बिल्कुल, आप स्टूडेंट थे हम सारे, हमारा तो मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनका कैरियर इन्होंने तबाह करने की मतलब पूरी हद तक कोशिश, वो रात तक रोते रहे कि हमें छोड़ दें, हमारा कैरियर खराब है। एक अंडर-19 में सिलेक्ट हुआ क्रिकेटर है, उस बेचारे की इतनी पोजीशन खराब हुई, और दो MSc के स्टूडेंट थे वो बेचारे, और उनके बड़े भाई अमेरिका में होते हैं, वो भी उसने भी अमेरिका स्टडी के लिए जाना था, उस बेचारे वो इतना मतलब डरा हुआ था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि यार मुझे मारेंगे, मुझे साथ लेके जाओ आप,
मतलब इन्होंने एकदम से सब पहले सब इन्होंने सबकी तलाशियां ली, जिसके बाद जो वैसे निकलते थे वो एक नीचे इन्होंने कपड़ा बिछा लिया, कपड़े के ऊपर फेंके जा रहे हैं पिस्टल आप पे ताने में, पिस्टल ताने में कपड़ा नीचे बिछा लिया कि जो कुछ है इसमें डाल दे, इसमें डाल दे। अच्छा तो हम जैसे हम सब सैम के जो भी बोलता था उसको थप्पड़ मारते थे और इतनी जोर से मारते थे कि वो बेचारा गिर जाता था, इतनी जोर से थप्पड़ होता था। तो जिसका ये नहीं उन्होंने देखा मोबाइल किसकी, किसी का महंगा है किसी का कम का, उन्होंने नीचे फेंकते गए हैं। मेरा खुद मोबाइल टूट गया है, मेरा मोबाइल अभी मैं मतलब उधर लगा हुआ चार्ज, मेरा खुद मोबाइल टूट गया है, मतलब ऊपर से काफी मोबाइल टूट गए हैं। और जो भी रकम थी इन्होंने वो खुद खुद करके 1,06,000 रुपए की FIR में डाल दी है। तो जो कि हमारी रकम थी तकरीबन 3.5 लाख से अबव, तो कापियां जो थी इतनी बेशुमार कापियां थी, यकीनन शादी वाला घर था, हमने यही सोचा हम भाई थे, हमारा यही सोच थी कि सुबह बाकी सुबह यूज कर लेंगे तो उसी साल, लेकिन वो सब ही उन्होंने एकदम से मतलब औकतें खाली करवा दी। उसके बाद वो हमें एक एक दो दो करके तकरीबन एक गाड़ी में 10-15 बंदे हमें डालते और ले जाते, एक गाड़ी को लेके जाके दूसरी गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी लेके, और ये मेरा छोटे भाई जो दूल्हा है इसको और उससे बड़े भाई को, दोनों को ऊपर छत पे ही मुर्गा बना दिया उन्होंने। मुर्गा भी बनाया जी छत के ऊपर ही, ये थाना नवाकोट में, थाना नवाकोट में शायद अब्दुल रऊफ नाम का कोई शख्स है, कांस्टेबल है। अच्छा तो वो जब ये वजह पूछे थे इनको भी मारना शुरू कर दिया, ये डरे हुए थे फुल, इतना डरे हुए थे कि कोई बात करे तो जवाब ही नहीं देते थे। मतलब यहाँ का तशद्दुद अलग है और थाने पर जो तशद्दुद किया वो अलग है, वो अलग है। तो इसी तरह फिर वो सबकी ना मतलब ये जो कमीजें है ना बांध दी गई थी ऐसे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बांध के लेके गए हैं गाड़ी में, क्योंकि भाग ना जाए। हमने कहा सर हम कोई भी नहीं भागेंगे, आप ये गिराव खोल दें, ताकि हमारे दो बहनोई थे जिनको इन्होंने गिराव से बांधा है, वो चीज हमें बहुत दुखी है, क्योंकि हमारी मतलब ज़ाहिर हम सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पे बहनोई की इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, मैंने इनको कहा भी है कि सर आप छोड़ दें ये काम ना करें, हम आपके साथ जा रहे हैं, कोई भी नहीं यहाँ से भागेगा, आप आपकी मेहरबानी। तो फिर साथ ही थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, तो हम उसी डर से फिर हम सबको इन्होंने गाड़ी में डाला, उन्होंने इनसे पूछते रहे कि हमारा कसूर बताएं, जैसे हम ये पूछते थे वहीं पर हमें थप्पड़ पड़ जाता था।